नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं उरी शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना बनाने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अंतर मंत्रालय समिति के गठन को मिली मंजूरी। कैबिनेट ने सिटीज 2.0 कार्यक्रम को भी दी मंजूरी। भारतीय सेना के चौथे कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल मनीष एरी ने राजभवन में राज्यपाल केटी परनायक से की मुलाकात। आईटीबीपी के पूर्वी कमान के एडीजी हरप्रीत सिंह सिंधु ने ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से की मुलाकात। सीमा सुरक्षा पर हुई चर्चा। चुनाव में मनी कल्चर को खत्म करने के लिए अपर सुबनसिरी जिले के तालिहा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सराहनीय पहल। आगामी चुनाव में मनी कल्चर खत्म करने के प्रति प्रेरित करने के लिए आयोजित किया गया जागरूकता कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं को मिलाकर सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना बनाने के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति के गठन को मंजूरी दी गई है। यह समिति केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बनाई जाएगी। तो आज का निर्णय ये है कि सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अनुमति अनुमोदन आज किया गया है। और ये इसलिए भी आवश्यक है कि भारत विश्व में जो सबसे बड़े उत्पादक हैं फूड ग्रेन से, उनमें से एक है। अब हम सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी तक कुल मिलाकर 1450 लाख टन भंडारण की क्षमता है। अब 700 लाख टन भंडारण की क्षमता सहकारिता के क्षेत्र में शुरू होगी। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? ये देश में खाद्यान्न भंडारण क्षमता में वृद्धि भी करेगा और खाद्यान्न के आयात में कमी लाएगा, खाद्यान्न सुरक्षा हमारी और मजबूत होगी, सुनिश्चित करेगा। ये पैक्स को भी पब्लिक प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी जो है इनको भी मजबूत करेगा। और ये जो हमारा माइग्रेशन होती है, प्रवासन होता है, इस पे भी रोक लगाएगा, उसमें कमी करेगा। पंचायत स्तर पर रोजगार के अवसर खड़ा करेगा, किसानों का आयवर्धन होगा। और इसके ऊपर कितना पैसा खर्च होगा? लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए की लागत से विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना हम सहकारिता क्षेत्र में शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट ने आवासीय एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सिटीज 2.0 कार्यक्रम को भी मंजूरी दी है। यह कार्यक्रम 2023 से शुरू होकर 2027 तक चलेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने नई दिल्ली में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी है। जो दूसरा निर्णय किया है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से जुड़ा हुआ है। स्मार्ट सिटीज के बारे में आप जानते हैं और स्मार्ट सिटीज के अंतर्गत सन 2018 में सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट इंटेग्रेट एंड सस्टेन CITIIS 1.0 कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। आज सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट इंटेग्रेट एंड सस्टेन CITIIS 2.0 शुरू करने की घोषणा की गई है, निर्णय किया गया है। इसके कंपोनेंट्स CITIIS 1.0 की तरह तीन कंपोनेंट ही रहेंगे, लेकिन इसके ऊपर खर्चा जो है वो 1866 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्चा आएगा। पहले कंपोनेंट के अंतर्गत कंपटीशन के आधार पर 18 शहरों को का चयन किया जाएगा। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या राज्य की सरकार या लोकल बॉडी, अर्बन लोकल बॉडी, वो
20% पैसा देगी, भारत सरकार 80% पैसा देगी। पहाड़ी राज्य एवं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 10% वो देंगे, 90% भारत सरकार पैसा देगी। दूसरे कंपोनेंट के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा स्टेट क्लाइमेट सेंटर और क्लाइमेट डेटा ऑब्जर्वेटरीज, क्लाइमेट एक्शन प्लान आदि जैसे स्टेट लेवल क्लाइमेट इनिशिएटिव्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये जो तीसरा कंपोनेंट है, इसके अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स को क्लाइमेट गवर्नेंस में कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु 106 करोड़ रुपए का ग्रांट उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में आज इस साल की 9वीं कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े 33 विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि कैबिनेट ने बीते 3 मई को कांस्टेबलों के खाली पदों को भरने के लिए प्रकाशित किए गए विज्ञापन के सिलसिले में उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट देने का फैसला किया है। इससे 24 साल की उम्र तक के युवा कांस्टेबल पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। कैबिनेट ने अंडर 14 इंद्रजीत नामचुम एनुअल फुटबॉल लीग और मांदूरो साइकिलिंग इवेंट को वार्षिक कैलेंडर कार्यक्रम के तौर पर मंजूरी दी है। कैबिनेट ने राजधानी ईटानगर में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए ईटानगर रेंज पुलिस प्रशासन के गठन को मंजूरी दी है, जिसके प्रमुख डीआईजी रैंक के 1 अधिकारी होंगे और उनके तहत एसपी रैंक के 3 अधिकारी तैनात होंगे। कैबिनेट ने राज्य सरकार के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मजबूत बनाने के उद्देश्य से डिप्यूटी डायरेक्टर एटीआई के 4 पदों के सृजन की मंजूरी दी है। असम के तेजपुर स्थित भारतीय सेना के 4वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल मनीष एरी ने आज ईटानगर स्थित राजभवन में राज्यपाल केटी परनायक से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल और लेफ्टिनेंट जनरल एरी ने राष्ट्रीय सुरक्षा, 4वीं कोर के निगरानी वाले सीमाई इलाकों की स्थिति और सिविल मिलिट्री रिश्तों के बारे में चर्चा की। साल 2009 में 4वीं कोर के कोर कमांडर रह चुके राज्यपाल केटी परनायक ने कोर का कार्यभार संभालने पर लेफ्टिनेंट जनरल एरी को बधाई दी। राज्यपाल ने सीमाई इलाकों में सुरक्षा मजबूत करने के लिहाज से अच्छे सिविल मिलिट्री संबंधों पर जोर दिया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के पूर्वी कमान के एडीजी हरप्रीत सिंह सिंधु ने आज ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से शिष्टाचार मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने देश की सीमा की रक्षा में आईटीबीपी द्वारा किए जा रहे प्रयासों की तारीफ की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा से उत्पन्न स्थिति को सुलझाने के लिए इम्फाल के दौरे पर है। श्री शाह ने आज मणिपुर के मोरेह में कुकी जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। गृहमंत्री ने मोरे में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा स्थिति की भी समीक्षा की। वह कल से ही विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं, साथ बातचीत करेंगे और उसके बाद कांग फोकपी में नागरिक समाज संगठनों के साथ बैठक करेंगे। गृहमंत्री इम्फाल में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा भी करेंगे। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और शांति भंग करने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों के लिए 10 लाख रुपए तक के मुआवजे का ऐलान किया है। इस मुआवजे में केंद्र और राज्य सरकार 5-5 लाख रुपए देगी। इसके साथ ही मृतक के परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का फैसला भी किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित चूड़ाचांदपुर का भी दौरा किया। वहीं गृहमंत्री की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों की बैठक हुई, जिसमें शांति बनाए रखने पर सहमति बनी है। दूरदर्शन से विशेष इंटरव्यू में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने विदेश नीति के मोर्चे पर मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया ने भारत में काफी बदलाव महसूस किए हैं। सो व्हेन पीपल थिंक ऑफ इंडिया एंड थिंक ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, दे एक्चुअली द वर्ल्ड फैक्टर्स इन दोस चेंजेस, यू नो, दोस कुड बी डिजिटल चेंजेस, दे कुड बी आवर हेल्थ रिस्पॉन्स चेंजेस, दे कुड बी आवर इकोनॉमिक you know, transformation, what is happening in the infrastructure. So there is that, you know, the changing India, for which much of the world sees that as quite rightly linked to Prime Minister Modi's policies.
The second is actually changing world. That this is a very turbulent world. It's very uncertain. It's very volatile. As it is, there were these big shifts which were taking place. Then you had the COVID, which was a once in a century event. Then you have the Ukraine conflict. So you have a changing India. You have a changing world. अपर सुबनसिरी जिले के तालिहा विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने निर्णय लिया है कि वे आगामी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवारों को वोट देते वक्त उनके द्वारा किए जाने वाले धन की पेशकश को ठुकराएंगे और चुनाव में मनी कल्चर खत्म करने की दिशा में योगदान करेंगे। मंगलवार को तालिहा में आयोजित एक कार्यक्रम में लोगों से अपील की गई कि वे इलाके का विकास करने वाले उम्मीदवार को ही वोट देंगे और पैसे के लालच में नहीं आएंगे। तोता जन तंतीपोर के लिए आने वाला इलेक्शन के लिए अपर सुबनसिरी हम तालिया से, तो हमारा यह जो भी एमएलए को हम लोग बनाता है, हमारा पब्लिक भी अभी तक मालूम नहीं है पैसा ले ले के का के, इसीलिए एमएलए बोलता है हम पब्लिक को करेग लिया पैसा दे दिया, तो हम फिर निक्स को हम कहाँ से कैंडिडेट करने के लिए कहाँ से पैसा लेगा। वही बात सुन सुन के ये एरिया में डेवलप हाई नहीं हो रहा है पब्लिक का वजह से, स्कूल पूरा ऐसे दिपंग है, इसलिए हम सोचा कि हम लोग आने वाला 2024 इलेक्शन को हम पब्लिक को रिक्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल पैसा नहीं का के पब्लिक को हम लोग एग्रीमेंट बना के हम लोग माने ये एरिया को हमारा 23 कॉन्स्टिट्यूशन तालिया को डेवलप कराना है, एजुकेशन आगे बढ़ाना है। एजुकेशन हमारा एक नंबर का डेवलपमेंट है। एजुकेशन नहीं होता है तो बाकी डेवलपमेंट तो इतना खास नहीं है। एजुकेशन हमारा एक नंबर डेवलपमेंट में है, इसीलिए हमारा पब्लिक भी अभी तक वो नॉलेज में नहीं पहुंचा है, इसीलिए पैसा का के अपना बच्चा ऐसे सर रहा है माने गवर्नमेंट स्कूल में रख के, हर स्कूल में टीचर है लेकिन यार कुछ स्कूल रनिंग होता ही नहीं है, तो इसलिए हम देख के इसलिए ये 2024 इलेक्शन आने वाला को अच्छा से देख के हम लोग एक माने अच्छा लेदर चुनना है। अरुणाचल प्रदेश के पाके केसांग और असम के विश्वनाथ सोनितपुर जिलों में अंतर राज्य सीमा विवाद मैत्रीपूर्ण तरीके से सुलझाने को लेकर पाके केसांग जिले के दिसिंग 500 सर्कल के नमोरा गांव में धन्यवाद ज्ञापन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अरुणाचल के पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और दोनों राज्य के मुख्यमंत्रियों के प्रयासों से दशकों पुराना विवाद हल हो सका है। बल्कि नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट, जो हम नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर हम सब परिवार माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा एंड माननीय मुख्यमंत्री अरुणाचल पेमा खांडू जी के नेतृत्व में ये भाजपा की सरकार जिस प्रकार से जो प्यार से हम सबको एक नॉर्थ ईस्ट का एक परिवार को आपस में जागरूक नहीं करने का जो संवाद करके जो कमिटी गठन करके जो समस्या को समाधान किया, उसके लिए भी पूरे उनका ऑनरेबल सीएम, ऑनरेबल पीएम और हमारा असम का जो रीजनल कमेटी का चेयरमैन माननीय पीयूष हजारिका जी, एक जोरदार ताली बजा दीजिए। हर साल 31 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। इस अवसर पर नेशनल हेल्थ मिशन के तहत नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम आज से टोबैको फ्री यूथ कैंपेन शुरू कर रहा है। यह कैंपेन 31 जुलाई तक चलेगा। थीम ऑफ द वर्ल्ड नो टोबैको डे 2023 इज वी नीड फूड नॉट टोबैको। दिस कैंपेन एनकरेजेस गवर्नमेंट टू एंड टोबैको ग्रोइंग सब्सिडीज and to use the savings to support farmers to switch to more sustainable crops that improve food security and nutrition. The rationale of the Tobacco Free Youth campaign is to ensure that all people, especially youth, are well informed about the ill effects of tobacco and the help available to assist them in quitting tobacco. For the effective implementation of the SAVE campaign, all the district tobacco control divisions along with district administration will be conducting various activities in 4 phases. In the first phase, it will escalate public awareness of harmful effects of tobacco. And second strategy
enhanced tobacco free education system, institutional compliance will be there. And under strategy 3, enhanced enforcement of OFPA 2003, that is cigarettes and other tobacco products acts. And strategy 4, endeavors to tobacco free villages across the state will be our efforts. The 100 meter yards of the school institution, any institution, even the police also. तो उसका डेयरी पर उसका अंदर में टबेको प्रोडक्ट एनी टाइप ऑफ टबेको प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता है तो उसमें हम लोग येलो मार्किंग भी करता है टबेको फ्री बोल के उसमें अगर करता है तो एनी टाइम हम लोग का टीम रेड करने वाला फ्लाइंग स्क्वाड टीम रहता है और एनफोर्समेंट ड्राइव करता है टाइम टू टाइम तो उसको पकड़ लेता है और पूरा सीज कर लेता है सीज करके फिर हम लोग टीम से with the magistrate and the police, we run it away. केंद्र सरकार जनजातीय छात्रों के लिए कई स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड योजनाएं चला रही है पिछले 9 सालों में नॉर्थ ईस्ट और खासकर अरुणाचल प्रदेश के छात्रों को केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कॉलरशिप योजनाओं का काफी लाभ मिला है पासीघाट के सबसे प्रतिष्ठित जेएन कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर ताशी तालो ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल छात्रों के लिए चलाए जा रही योजनाओं का लाभ जेएन कॉलेज के छात्रों को मिल रहा है गवर्नमेंट का जो स्टाइपेंड स्कीम है ये इट इज डायरेक्टली असिस्टिंग द स्टूडेंट्स इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड पर्टिकुलरली द पुअर स्टूडेंट्स एंड एसटी स्टूडेंट्स यहाँ तीन स्कीम्स में हमारे स्टूडेंट्स जो मोर देन 5000 स्टूडेंट्स यहाँ अप्लाई करते हैं जिसमें से मैं बताना चाहूँगा हमारा एक नंबर जो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं वो अरुणाचल प्रदेश स्टाइपेंड स्कीम है वो स्टेट गवर्नमेंट के हैं तो ये इसमें हम यही स्टूडेंट लोग को देते हैं कि प्रोविजन कि हर कोई स्टूडेंट जो बोनाफाइड स्टूडेंट कहते हैं जो कॉलेज में दाखिला होते हैं उनका जो एनरोलमेंट होने के बाद उसमें कोई हम रेस्ट्रिक्शन नहीं है लड़का या लड़की या परसेंटेज का उसमें कोई हिसाब नहीं है ऑल स्टूडेंट्स आर बोनाफाइड स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस फैसिलिटी उसमें मैं देखा गया कि लास्ट टाइम भी हमने इस स्कीम पे 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट बेनिफिट हुए हैं तो उनको मैं बताना चाहूँगा ये 16000 से ऊपर हर साल मिलते हैं बोनाफाइड स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं दूसरा स्कीम ये मैं बताना चाहूँगा कि अम्ब्रेला स्कीम एक्चुअली वो हमारा शेड्यूल ट्राइब के लिए पढ़ते हैं और ये हम हर साल स्टूडेंटों को 22000 से ऊपर मिलते हैं तो तीसरा बात हम ये देखें कि ईशान उदय जो कहते हैं वो ईशान उदय पर इन दोनों से थोड़ा अलग पड़ता है कि इसमें मेरिटरियस स्टूडेंट जिसको मेरिट स्टूडेंट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं जो ज़्यादा नंबर मिलते हैं वो सेलेक्टिव स्टूडेंट्स उन लोग अपना एप्लीकेशन जब वेरीफाई होने के बाद तो उन लोग 60000 प्लस वो एनुअली मिलते हैं तो यही तीन स्कीम हैं तो ये मैं आज हमारा जो गवर्नमेंट है जो बीजेपी गवर्नमेंट हो या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को ये सवासी या बधाई देना चाहूँगा धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये हमारा फोर स्टूडेंट्स के लिए जो गरीब है स्टूडेंट लोग भी पढ़ सकते हैं ताकि वो हम एक स्लोगन है एजुकेशन फॉर ऑल को ये फुलफिल करते हैं ईस्ट कामेंग जिले की पुलिस ने पिछले दिनों सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया एक बाइक रैली के तौर पर आयोजित किए गए इस जागरूकता कार्यक्रम में पुलिस विभाग एवं आम जनता की तरफ से 50 बाइकर्स ने हिस्सा लिया इसके जरिए लोगों को हमेशा हेलमेट लगाने नशे में गाड़ी न चलाने और कभी भी 3 लोगों को बिठाकर गाड़ी न चलाने के बारे में जागरूक किया गया मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस प्रयास की तारीफ की अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD News अरुणाचल पर भी देख सकते हैं देखते रहिए अरुण प्रभा नमस्कार